हेलो गाइस, दिस इज़ ज्योति। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं हेल्दी प्रोटीन सूप। उसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं टोमेटो, स्प्रिंग ओनियन, कैप्सिकम्स रेड येलो, ब्रोकली, ग्रीन चिली, गार्लिक पेस्ट। एंड हम यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लावर पेस्ट, सोया चकली, बॉयल्ड चना मूंग स्प्राउट्स एंड यू कैन सी चाइनीज सॉसेस एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई गरम होने के बाद हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद हम सारे इंग्रेडिएंट्स 1 by 1 डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें ग्रीन चिली, गार्लिक, जिंजर पेस्ट डालेंगे और इसे 20 सेकेंड तक भूनेंगे ऑन हाई फ्लेम। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ओनियंस, 1/2 कप ब्रोकली और इसे सॉटे करेंगे। गाइस, आप इसमें कैरेट, फ्रेंच बीन्स, कॉलीफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक हेल्दी सूप है तो हम अपनी चॉइस के वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 कप येलो एंड रेड कैप्सिकम एंड इसे सॉटे करेंगे ऑन हाई फ्लेम। अभी हम डालेंगे 2 स्पून चॉप्ड टोमेटो और सारे वेजिटेबल्स को मिक्स कर देंगे। और अब बारी है सूप के मेन प्रोटीन सोर्स की, जो है 1 कप बॉइल्ड चना, 1/2 कप मूंग स्प्राउट्स, 1/2 कप। इसमें भी आप अपने चॉइस से और अपने टेस्ट के हिसाब से डिफरेंट स्प्राउट्स एंड पल्सेस डाल सकते हैं। अभी आप मिक्स और इसे सॉटे कर दे फॉर 20 सेकेंड्स। अभी हम डालेंगे रेड चिली सॉस 1 टेबल स्पून। गाइस, आप 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए। इसके बाद हम डालने वाले हैं ग्रीन चिली सॉस, ये भी 1 टेबल स्पून। एंड एट लास्ट हम डालेंगे शेजवान चटनी, ये भी 1 टेबल स्पून। सब मिक्स करने के बाद हम डालेंगे डार्क सोय सॉस अराउंड 2 टेबल स्पून एंड इसके बाद हम डालेंगे 1 ग्लास वाटर। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाइस, ये सारे चाइनीज़ सॉस से सूप का टेस्ट चाइनीज़ जैसा आएगा। और हमारी ये सूप का मेन मोटो है कि टेस्ट और प्रोटीन दोनों ही मिले। अभी हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 कप स्प्रिंग ओनियन और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कॉर्नफ्लावर पेस्ट और इसे अच्छे से स्टर कर देंगे। अब हमारा सूप हो गया रेडी और अब हम चलते हैं सर्विंग एंड गार्निशिंग पे। सो फाइनली गाइस, सूप इज़ रेडी। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल एंड हेल्दी बना है। इसे हम गार्निश कर सकते हैं विद फ्राइड नूडल्स या फिर सोया चकली। हम इसे गार्निश करेंगे विद सोया चकली। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए एंड अपने रिव्यूज़ या कोई क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में भेजिए। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।